कर्व जिसे आप सप्लाइंग कहेंगे, ठीक है। सप्लाइंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और 3। फर्स्ट नंबर पे इसका कंपोनेंट होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स। दूसरे नंबर पे इसका कंपोनेंट होता है सेगमेंट, सेगमेंट। और तीसरे नंबर पे होता है सप्लाइंग, वर्टेक्स, सेगमेंट और सप्लाइंग। तो ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स हैं इन पर जो होगा वो वर्टेक्स होगा, और ये जो लाइन है ये क्या होगी? सेगमेंट। ये भी एक सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट, ये भी एक। टोटल कितने सेगमेंट है? 4। और सप्लाइंग जो है ये टोटल होल एक सप्लाइंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 3 टाइप के वर्ड जो कंपोनेंट्स हैं, और 1 प्रेस करेंगे तो वर्टेक्स मोड में होंगे, 2 प्रेस करेंगे तो सेगमेंट मोड में होंगे, और 3 प्रेस करेंगे तो सप्लाइंग मोड में। एडिटेबल सप्लाई में कंप्लीट कन्वर्ट करने के बाद 1। हाँ, इसको आप कैसे करते हैं? एडिटेबल सप्लाइंग कैसे करते हैं? राइट क्लिक ऑन कर्व एंड चूज कन्वर्ट टू एडिटेबल सप्लाइंग। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, इसमें सप्लाइंग है ही नहीं, ये तो आप ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। फॉर सप्लाइंग और कर यूज ये जो है क्रिएट पैनल, शेप्स, ये ज्योमेट्री था क्रिएट पैनल, इसके अंदर ये ज्योमेट्री था, इससे अगली है शेप्स, शेप्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी सप्लाइंस आएंगी, ठीक है, ठीक है। अब सप्लाइंस के अंदर जो वर्टेक्स होता है उसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, वर्टेक्स की कुछ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्ज करें कॉर्नर बनाता हूँ मैं, यहाँ पर ये एक वर्टेक्स है, ठीक है। इस वक्त जो इसकी टाइप है वो कॉर्नर टाइप है, ठीक है, ठीक है। एक होता है बेजियर कॉर्नर, उसमें क्या होता है कि इनके साथ इसको हैंडल भी मिले हुए होते हैं, ठीक है। हर हैंडल इंडिविजुअली आप चेंज कर सकते हैं, जब आप हैंडल चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट या शेप की जो कर्व है उसके शेप में भी चेंजिंग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हैंडल्स हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक टाइप हो गई कॉर्नर, दूसरी टाइप हो गई बेजियर कॉर्नर, तीसरी टाइप है स्मूथ। स्मूथ स्मूथ में क्या होता है कि ये यूं गुलाई हो जाता है, गुलाई में स्मूथ, ठीक है। नंबर 4 वो होता है बेजियर, ये गुलाई में होता है मगर इसके बीच में एक हैंडल होता है, ठीक है। इसको आप चेंज करते हैं तो दोनों साइड्स पर शेप चेंज होती है। स्मूथ में एक साइड भी होगी? स्मूथ में कोई हैंडल आपको नहीं मिलेगा, टोटल स्मूथ हो जाएगा। इसमें आपको हैंडल मिलेगा, आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कॉर्नर में सर भी हैंडल? कॉर्नर में कोई हैंडल नहीं होगा, जस्ट वो कॉर्नर होगा लाइक दिस, ठीक है। इसमें हैंडल वैंडल कोई नहीं होगा, ठीक है। हैंडल होगा बेजियर कॉर्नर में या बेजियर में, स्मूथ में एक गुलाई होगी मगर कॉर्नर को हैंडल्स नहीं होंगे, कॉर्नर में कॉर्नर होगा मगर हैंडल्स नहीं होंगे, बेजियर कॉर्नर में कॉर्नर हो सकता है मगर हैंडल्स भी होते हैं, साथ ही ये चीज़ें, ठीक है। इसको मैं डिफाइन करूँगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बताने वाली चीज़ है वो ये कि हर कंपोनेंट पे अलहदा से कमांड अप्लाई होती है, लाइक कुछ कमांड्स हैं जो वर्टेक्स की होती हैं, कुछ कमांड्स हैं वो सप्लाइंस की होती हैं, कुछ कमांड्स हैं जो सेगमेंट्स की होती हैं, ठीक है। तो हम काम करते हैं इसमें, हम इसको साइज़ भी दे सकते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसी वक्त हम इसको साइज़ भी दे सकते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं? यहाँ से क्रिएट पैनल, ये ज्योमेट्री था, इससे अगला टैब है शेप्स, ठीक है। इसके अंदर आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, आर्क और डिफरेंट टाइप के हैं। तो आप टॉप व्यू में आकर जो भी काम करते हैं टॉप व्यू में या किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ क्या होते हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कौन तीनों साइड, एक साइड नज़र कोई सी तीन ऑर्थोग्राफिक व्यूज करते हैं, टॉप और साइड, ठीक है। ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज होते हैं,
जो भी मतलब आप चूज़ करते हैं, जैसे टॉप है ऑर्थोग्राफिक है, लेफ्ट है ऑर्थोग्राफिक है, फ्रंट है ऑर्थोग्राफिक है, पर्सपेक्टिव जो है ना ये ऑर्थोग्राफिक नहीं होता है। तो मैं टॉप पर इस पर काम करता हूँ, इसके पे वर्क जो करता हूँ वो टॉप पर करता हूँ, उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, ये बंद करो। जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ की, मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर देने, ठीक है, इस पर आप इसको डायमेंशंस दे सकते हैं। फर्ज करें मैं 12 और 12 के डायमेंशन देता हूँ, तो ये 12 और 12 का, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको चेक करूँ मॉडिफाई पैनल में, तो ये कुछ भी नहीं, जस्ट रेक्टेंगल है और पैरामीटर है। मगर जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट टू एरिटेबल सबलाइन, ठीक है, जब मैं ये करूँगा तो इसके मुझे कंपोनेंट्स मिलेंगे, वर्टेक्स, सेगमेंट और सबलाइन। ये तीन कंपोनेंट है जिसके शॉर्टकट के भी 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, ऐसे हैं, और कर लें कोई ऐसा, हमें सिर्फ 15-20 मिनट चाहिए। अच्छा, अब ये है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो कौन से मोड में आऊँगा? वर्टेक्स मोड में, आप भी बता रहे हैं ना, वर्टेक्स मोड में आऊँगा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर हैंडल्स भी मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? बेजियर कॉर्नर, गुड। अब देखिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है, बेजियर कॉर्नर, ठीक है। बेजियर कॉर्नर, अगर मैं बेजियर करता हूँ तो एक गोलाई में हो जाएगा, अब हैंडल भी मिल गया और गोलाई में भी है। मैं करूँगा, देखें दोनों साइड्स पर चेंजिंग, ऐसी है ना। अगर मैं राइट क्लिक करके इसको स्मूथ कर देता हूँ तो एक गोलाई में है मगर हैंडल्स नहीं है। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब आ गया ना जी सर, ओके। और दूसरे यहाँ पर सर्च करता हूँ, अगर मैं कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल ही कॉर्नर बदलने का हैंडल, इसमें देखें ये हैंडल है, इसमें भी हैंडल है। तो ये डिपेंड करता है आप में कि आपने क्या चीज़ बनानी है। जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आप इसकी शेप में चेंजिंग नहीं कर सकते। जी सर, क्लिक किया, अब मैंने इस हिसाब से ना कुछ 2-4 क्रोम्स वगैरह बनाऊंगा, ठीक। उसके लिए मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको साइज दे देता हूँ, इधर इधर सब सही नजर आएगा, 16 और 18, ठीक है। मॉडिफाई करना है, इसको चेक करें 16 और 18, ठीक। अब इस पर चूँकि अपने वर्क करना है, अगर फर्स्ट करें इसके अंदर एक छोटा सा वॉशरूम बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पहले मैं इसी का आपको डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको वर्कआउट करने के लिए, इसकी आउटलाइन लेने के लिए, सब काम करने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक डबल सबलाइन में, करूँगा तो मेरे पास ये कंपोनेंट आ गया। अच्छा, अब इसकी जो सबलाइन है उसकी एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है आउटलाइन। आउटलाइन सेम वैसी कमांड है जैसे ऑफसेट की आप ऑटो पेन चूज करना, ठीक है। फर्ज करें मैं 9 इंच की वॉल चाहता हूँ, 9 इंच लिखकर एंटर करूँगा तो वो 9 इंच की अंदर की तरफ वॉल बनेगी, ठीक है। 9 लिखकर करूँगा तो अंदर बनेगी, ठीक है। अगर बाहर बनानी है तो मैं करूँगा -9, तो ये बाहर क्लियर, ये बन गई। ये करने के बाद अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड, अब मॉडिफाई पैनल से मैंने एक्सट्रूड की कमांड दी, ठीक है। पहले क्या था, जब कन्वर्ट किया था तो इस साइड से आपने दी थी, अब आपने मॉडिफाई से मॉडिफायर देना है एक्सट्रूड का, ठीक है। इसकी अमाउंट आप दे देंगे, फर्ज करें 11 इंच 11 फिट, तो 11 फिट इसकी हाइट हो जाएगी। रिपीट करता हूँ, आप की जो सप्लाइंग बन गई इसकी आउटलाइनिंग भी देंगे। अच्छा, एक ऐसी सप्लाइन है जिसकी आउटलाइनिंग नहीं है, ये ऐसी सप्लाइन है जिसकी आउटलाइनिंग नहीं है, ये ऐसी सप्लाइन है जिसकी आउटलाइनिंग है।
अब जिसकी नहीं है उसको मैं एक्सट्रूड की कमांड देता हूँ तो क्या होगा? मॉडिफायर में जाके एक्सट्रूड, तो ये फुल बॉक्स बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। मगर अगर मैं इसको देता हूँ ना तो क्या है कि ये अंदर वाले एरिया को माइनस कर देगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया एक्सट्रूड करेगा। मैं एक्सट्रूड इस एरिया को करता हूँ तो देखें। अच्छा, इसके लिए एक्सट्रूड करने के लिए बार या अंदर वाला वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना, अंदर वाला बॉक्स जो है उसे सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल में, तो फिर क्या होगा? अंदर बाहर की तो बात ही नहीं होगी, यानी जो भी करेंगे। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, गौर से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, अभी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको साइज दे दूँगा, साइज भी आ जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देना एडिटेबल, सप्लाइन, ये भी हो गया। अब आउटलाइन देनी है, अब आउटलाइन कमांड है, अभी देखें आउटलाइन अनचेक है, जी सर, ठीक है। आप वर्टेक्स करेंगे तब भी अनचेक है, आप सेगमेंट करेंगे तब भी अनचेक है, जब आप इसको सप्लाइन करेंगे ना तब ये आएगी, सेलेक्ट करें सप्लाइन और यहाँ पर आप उसको वैल्यू देंगे -9 ओके। अब आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना, सप्लाइन सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और अब अगर आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो इसकी ये वॉल एक्सट्रूड, अगर सर ये तो बार वाली इसकी सेलेक्ट करें, अगर अंदर वाली सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड करें तो फिर अंदर वाली तो की नहीं है, हाँ हमने की तो ये आउटसाइड नहीं, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने एक सप्लाइन को सेलेक्ट करके नहीं किया, सप्लाइन को सेलेक्ट, अगर अंदर वाली सप्लाइन को मैं सेलेक्ट करके करता हूँ तो अंदर वाली मतलब वो फिर भी दोनों को कर देते क्योंकि अलग अलग नहीं, ये मॉडिफाई है, ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब एक और ये है ना, इसकी अगर मैं सप्लाई, मैं चाहता हूँ इसकी बाहर वाले एरिया मुझे मिल जाए, जो बाहर वाली सप्लाई में बिल्कुल यही चीज़ मुझे कॉपी मिल जाए इसकी, तो ये बाहर वाली सिलेक्ट की, ठीक है, नीचे आऊँगा, यहाँ पर कॉपी पे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी बनानी है ना और डिटैच पे क्लिक कर दूँगा, वो उसको उसको डिटैच कर देगा एज अ कॉपी, ठीक है, ओके। अब उसको मैं कहता हूँ देखिए ये अलग आपको सप्लाई, ठीक है जी सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड होगी 11 फीट, अब मैंने इसकी छत बनानी है, छत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा टॉप पे आता हूँ, यहाँ से आपको पता है मॉडिफायर से नीचे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी सेलेक्ट करें सप्लाई, ठीक है, और आउटर सप्लाई सेलेक्ट, ठीक है, कॉपी करके इसको आप डिटैच कर दें, फिर दोबारा आप इसको एडिट सप्लाई पे क्लिक करें और एक्सट्रूड पे क्लिक कर दें, एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर वो लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको एक्सट्रूड कर दें इस लाइन को 6 इंच, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर आप स्नैपिंग के जरिए क्लियर, एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ अभी एक और चीज़ मैं करूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, साइज में देता हूँ 18x60, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया एडिटेबल सप्लाइन में, कोई चीज़ नई नहीं है जो मैं आपको अभी करूँ, यहाँ से सेलेक्ट करना है मैंने वर्टेक्स, अब मैं तरफ वर्टेक्स की कमांड्स को देखिए, इसमें आप सेलेक्ट चेक करें, यहाँ पर आपको देखें फिलेट और चैम्फर, ये दो चीज़ें, ये क्या चीज़ है, इसको इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको चैम्फर करता हूँ, इससे क्या होगा कि वो जो कॉर्नर बनता है ना वो चीज़ बन जाएगी, 4 फिट का मैं अगर चैम्फर करूँ तो 4 फिट का चैम्फर ये, किसी तरह से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिलेट चूज़ करता हूँ 4 इंच का, तो ये गोलाई में आ गया, फिलेट गोलाई में, चैम्फर कॉर्नर बनेगा, फिलेट गोलाई में बनेगा, ठीक है। अब फर्ज़ करें मुझे अपनी शेप ऐसी चाहिए, ठीक है, फिर मैं इसके सप्लाई सेलेक्ट करके इसको इसको आउटलाइन दूँगा, कितनी, -9 इंच होगी, जी सर, ओके। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया सर, ठीक है, 11 फिट, 11 फिट,
इसकी 11 फीट हो गई। अब मुझे इसकी छत चाहिए, कैसा करना है? आउटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स में नहीं सबलाइन में जाऊंगा, उसके अंदर मैं सबलाइन को ही सिलेक्ट करूंगा और आउटर सबलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉपी करेंगे, पहले नीचे आऊंगा कॉपी और डिटैच सेव कर देंगे। ओके हो गया। अब मैं इसको दोबारा सबलाइन पर क्लिक करके एक्सट्रूड कर दूँगा ताकि पहले वाली दोबारा अपनी हालत में आ जाए। ओके, अब मुझे यहाँ पर ये मिली हुई है। अब मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो पे है। मैंने इसको ऊपर उठाना है और इसकी हाइट कितनी है? इसकी 11 फुट है। तो मैं अगर इसकी हाइट को जेड की तरफ अगर मैं 11 लेकर एंटर करूँगा तो क्या होगा? तो ये पूरे 11 फिट आकर और अब आप इसको एक्सट्रूड कर और एक्सट्रूड की वैल्यू आप क्या देंगे? 6 इंच। बॉक्स बन गया, ठीक है, छत भी बन गई और रूम भी बन गया। ये भी मैंने आपको बताया है, वन सिंगल रूम बनाना जिसमें आप चैम्फर और फिलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक से ज़्यादा कैसे बनाते हैं, एक के अंदर दूसरे वॉशरूम टाइप जो बनती हैं चीज़ें होती हैं, वो हम कैसे बनाते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो इस लेवल तक की है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो जो मैंने आपको लास्ट स्टेप बताया वो आपसे सही ना बन सके तो आप इसको स्नैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो वो सही नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन तो है ही। वो और मैथड है, वो था दो मैथड है, ये दूसरा मैथड है ना। आप घर मॉडलिंग की तरफ आ रहे हैं, वो पॉलीगोनल मॉडलिंग थी, पॉलीगोनल मॉडलिंग फिलहाल आपने क्रॉस कर मतलब वो था कॉर्नर, उसमें जो गोलाई नहीं बना सकते, उसमें गोलाई बना सकते। अब देखें मैंने यहाँ पर डोर बनाना है इस जगह पर, तो मैं यहाँ पर सेम मेथड बॉक्स बनाऊंगा, साइज दे दूंगा 3.5 इंच और 7 फीट इसकी। अब मैंने इसको 45 डिग्री यूँ करना है ना, एंगल स्नैप कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको 45 ठीक में आया और इसको मूव करके आउटलाइन में अगर मैं आऊँ त्रिभुजन कर देंगे सब जी। हाँ सेंटर में ले आऊँगा, ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से चूज किया कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पिकअप पॉइंट भी ए माइनस बी हो गया क्लियर। अब यहाँ से आप डोर इसका निकाल दो, ये प्लग अनप्लग करके दूसरा प्लग लगा दो जी सर। इस तरह से आपने कुछ एक दो किस्म के बनाने हैं, तब हम आएंगे तो फिर कहाँ डिटेल दिखा देते हैं और इसके बाद में लाएंगे। आज के लिए आपको ये है।